इस तरीके की साजिश करनी, टीयर गैस शैल चलाने, गोलियां चलाउनियां, ये हालात पैदा करने। यार तुसी तो इतना गल कर रहे हो कि लाल किला कोई मजाक है, वो दरवाजे खोले की ने, वो रस्ता जिहड़ा प्री प्लैंड रस्ता सी उस रस्ते तो भटक के किसी होर पासे लैके जाना, कि ये साजिश का हिस्सा नहीं? कार्रवाई उन्हां दी पहचान करके उन्हां ते कार्रवाई होवे, मगर फिर जिन्होंने कार्रवाई करनी है उन्होंने तो नाल हथ रले, उन्होंने की कार्रवाई करनी? असल गल तो फिर लुक जानी कि होया किवें, आफ्टरऑल इन्नी पुलिस लगी होवे, इन्ना कुछ लग्या होवे, उत्थे तक लै किवें गए? रूट तो कुछ होर सी। दिल्ली विच जिथे किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्थे ही किसानों वालों 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड कढ़ी गई सी, जिस विच कुछ नौजवानों वालों दिल्ली स्थित लाल किले उत्ते केसरी झंडा अते किसानी झंडा लहरा दिता गया सी, जिसनों लैके हुण किसानी संघर्ष विच थोड़ा बहुत विवाद होना शुरू हो गया है। उत्थे इस मामले विच जद हुशियारपुर विच अपनी पार्टी वर्करां नाल आ रही चोणों लैके मीटिंग कर पुजे अकाली दल के आगू और सबका कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नाल गलबात की गई, तो उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करदिया कहा कि इस विच केंद्र सरकार की शमूलियत है, क्योंकि केंद्र संघर्ष को बदनाम करन अते तार पीड़ो करन दे विच लगी हुई है, जिसनों कि कल अपने मनसूबों के थोड़ी बहुती कामयाबी भी हासिल हुई है। उत्थे ही इस मामले की जाँच में लैके उन्होंने कहा कि इसकी जाँच देश की एजेंसी की बजाय विदेशी एजेंसी तो होनी चाहिए है, जेकर देश की एजेंसी जांच करेगी तो कोई भी आरोपी शायद सामने नहीं आ पाएगा। कल एक नहीं बोलिया, देख रहे हैं, नज़ारा विखा रहे हैं, मगर ये सारा सीन, ये हालात पैदा क्यों किए? सिर्फ इसलिए किए गए, उहदे च सरकारां दा रोल और सरकारां नाल रल के जिहड़े 3-4 बंदे एक जथेबंदी और ये 2-3 जिन्हों का पिछोकड़ कोई एडा वधिया नहीं, धुंधले पिछोकड़ वाले, उन्होंने लखां लोगों के शांतमई संघर्ष नूं, किसानी संघर्ष नूं टॉरपीडो करन वास्ते, क्योंकि ये संघर्ष नहीं फेल हो रहा सी, बड़िया कोशिशां चलियां, बड़ी साजिशां चलियां ने कि जी हरियाणा पंजाब वालियां नूं लड़ा दिओ, एक दूजे जथेबंदी नूं दूजे नाल लड़ा दिओ, जब सारियां साजिशां फेल हो गईआं ते कल जो इन्हां ने साजिश रची है इहदे पिछे एक सीरीयस इनकुआइरी, ते जे डुंगाई नाल इंटरनेशनल फोरम तो इनकुआइरी होवे ते जिहड़े दिल्ली च बैठे हुक्मरान है उन्हां दा जो रोल है वह भी सामने आऊगा। फोटोआं थोड़े सामने आ, मैनू कहण दी लोड़ नहीं, किसी नूं तां 10 मिंट दे दर्शन नहीं होंदे, उह खुले दर्शन नाले बत्ती दंदां दे दर्शन हो रहे आ, इसलिए की होया की नहीं होया इहदी इनक्वायरी जे स्टेट एजेंसियां करनगी ते सच कदे सामने नहीं आउगा, मगर जे इंटरनेशनल एजेंसी कोई करूगी ते ये शांतमई संघर्ष जिहड़ा 60 दिन शांतमई रहा वह कल क्यों टर्न वक्री लै गया? की कुछ शरारत वाले लोग विच वाड़े गए जिन्हां दे 25 तरीक नूं आप दे मनसूबे साफ करते सी, वह माहौल उत्थों दा विगाड़न की कोशिश क्यों की गई? और ये अपमान है जिहड़े 80 शहादत दे गए है इस अंदोलन वास्ते, क्योंकि किसानी कलाईवान धंधा नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट एक मुद्दा है वड्डा और ये लागू होनी चाहिए, ये काले कानून वापस होने चाहिए, मगर ये सब नूं एक नवी रंगत देने की कोशिश की है, टॉरपीडो करने की कोशिश की गई है, बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये बिल्कुल निंदन योग है और इन्हां दी पहचान होनी चाहिए। भाजपा दे दिल्ली दे विच जिहड़ा प्रवक्ता है पात्रा जी, उन्होंने कहा है भी एक किसान नहीं, अन्नदाता नहीं है, ये आतंकी है, जिहड़ा उन्होंने बयान जारी किया है, इन्हां किन्ने कि समझ? देखो उन्होंने एक गल पूछ लियो पात्रा जी नूं, फिर थोड़े 3 वजीर क्यों गल करते हैं? जे देश का अन्नदाता जे ये समझते आतंकी है तो तुम क्यों गल करते हो? थोड़ी दिल्ली पुलिस उन्होंने क्यों गल करती है? ये जिहड़ा हर तरीके नाल एक शांतमई अंदोलन नूं जिस तरीके नाल सारी सरकार का जोर लग्या उन्होंने बदनाम करन, और अफसोस इस गल की है कि उन्होंने कल उहदे च कामयाबी भी मिली है किसी हद तक, उन्होंने अपने बंदे वाड़े, वह बंदे उन्होंने आ, इन्हां दी पहचान चैनलों से चल ही रही है, मगर ये आप दे लोकां दे खिलाफ इस तरीके की साजिश करनी, टीयर गैस शैल चलाने, गोलियां चलाउनियां, ये हालात पैदा करने। यार तुसी तो इतना गल कर रहे हो कि लाल किला कोई मजाक है, वो दरवाजे खोले की ने, एडे प्यार नाल चढ़ा के उत्थे सारा कुछ जो उत्थे सीन वापरिया, ये कल्ला एक बहुत डूंगी साजिश सी, और कल किसी ने बयान क्यों नहीं दिता? फिर
क्योंकि चाहते सन कि यह संघर्ष का जलूस निकले दिल्ली च बैठे कुछ भाजपा के लीडर। सो यह बहुत वड्डी डूंगी साजिश का हिस्सा। और मैं अज भी कहना एक किसानी संघर्ष लोगों का संघर्ष है, देश के लोगों का संघर्ष है, कल पंजाब का नहीं। इस एकता बनी रहे, ये कामयाब होवे। किसानां दी खेत मजदूरां दी जिहड़ी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन एक काले कानून मुद्दा वह है, वह मुद्दे तो भटकाउण दी जिहड़ियां कोशिशां ने, ये चेहरे भी नंगे होने चाहिए, उन्होंने फेल भी होना चाहिए, लोगों को इकट्ठे रहना चाहिए। यार एक ना तुसीं काइंडली बेनती है, उत्थे स्पीकर कित्थों पहुँच गया, उत्थे टीवी चैनल वाले कित्थों पहुँच गए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਆਫਟਰਆਲ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਰੂਟ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।